नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सभिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। करीब 30 से 35 उम्मीदवारों के नाम तय। भाजपा में भी टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी। टिकटों की दावेदारी को लेकर भाजपा में जबरदस्त माथापच्ची। अकेले कैंट विधानसभा सीट से 15 दावेदार। केदारनाथ सीट को लेकर भी मचा घमासान। कोविड के चलते हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर प्रशासन के दावों की खुली पोल। पुख्ता बंदोबस्त होने के बावजूद स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु कोविड नियमों की अनदेखी। और कांग्रेस में जाने की अटकलों पर दिलीप रावत ने लगाया विराम। खुद को बताया हिंदूवादी नेता, कहा कभी नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का दामन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात करेंगे इस पहले सबसे बड़ी खबर की। जैसे जैसे चुनाव के दिन अब नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों में टिकटों को लेकर टिक का दौर शुरू हो चुका है। यानी कि माथापच्ची का, बीजेपी की बात करूं तो माथापच्ची का दौर वहां जारी है। कांग्रेस की बात हम करें तो कांग्रेस में आज पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है कांग्रेस अपनी, क्योंकि कल भी दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग की बैठक करीब रात 11 बजे तक चली, और आज भी कांग्रेस की बैठक जो है वो चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में करीब 30 से 35 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो तय हो चुके हैं, और आज कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में भी टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। दो दिन से बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 21 जनवरी तक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। बैठकों के दौर में मंथन चल रहा है, और बीजेपी ने हाईकमान पर फैसला छोड़ा है, तो देखना होगा। या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के इंतजार कर रही है कि पहले कांग्रेस लिस्ट जारी करे, उसके बाद बीजेपी जारी करे। लेकिन बीजेपी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उस बीजेपी का कांग्रेस से लेना देना नहीं है, और बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों का जो है वो नामों का ऐलान करेगी, लिस्ट जारी करेगी। लेकिन बड़ी खबर आज की उत्तराखंड की यही है कि सर्द मौसम में सियासी माहौल जो है गर्माया हुआ है, और आज कांग्रेस जो है वो अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। मकर संक्रांति के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने स्नान पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके प्रशासन के दावों की पोल जो है वो वहां पर खुलती साफ नजर आ रही है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि हर की पैड़ी को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है, और श्रद्धालु दूसरे कई घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही बाहरी राज्यों और जिलों से स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस जिले की सीमाओं पर सख्ती बरत रही है। लेकिन जो हम देखें कि कोविड जो नियम है, कोविड गाइडलाइन का वहां उल्लंघन होता दिख रहा है। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता नरेश तोमर हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। नरेश, सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आखिर प्रशासन के दावों की पोल खुली गई है, प्रशासन की तरफ से चूक आखिर कहां पर रही? देखिए साजिया, जिस तरह से बात करें मकर संक्रांति के स्नान की, काफी अहम ये स्नान होता है। हालांकि प्रशासन द्वारा पुख्ते इंतजाम लोगों को किए गए थे, संदेश भेजने का कार्य भी काफी दिन पहले मीडिया के माध्यम से भी किया गया था। एसएसपी हरिद्वार ने इस दौरान अपील भी की थी कि श्रद्धालु ना आए, और जगह जगह बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकने का प्रयास भी साझा किया गया था। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं, लाखों श्रद्धालु इस समय हरिद्वार के हर की पौड़ी के अलावा अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए बहुत बड़ी भूल चूक मानी जा रही है। जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना के लगातार मामले साझा बढ़ रहे हैं, तो इससे देखते हुए लगातार ये लगता है कि जिस तरह से प्रशासन ने पूरी कोशिश तो की थी, लेकिन आस्था के आगे वैसी हमारे कोरोना लोगों के लिए फिलहाल कुछ नहीं है जी। लेकिन प्रशासन से चूक कहाँ रही, प्रशासन से आपकी चूक हुई कहाँ पे, ये बताइए। आपके प्रशासन दावे कर रहा था कि एंट्री बैन होगी, स्थानीय लोगों तक को परमिशन नहीं थी स्नान की, फिर आखिर प्रशासन के हैंड से चूक कहाँ पे रही नरेश? ये साझा, निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के बॉर्डर है, अगर
उनपे पुलिस सख्त होती तो ये श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं बॉर्डरों से ही यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, क्योंकि जिस तरह से साझा ये कहा जा रहा था कि बॉर्डर पर सघन करके अभियान चलाया जा रहा है, लगातार पुलिस बल लगाया गया है। हालांकि लगातार हमने देखा है कि वीडियो के माध्यम से इससे पहले भी देखा था कि कई श्रद्धालुओं को भारी वापस भेजा गया, लेकिन फिर भी आज तक इस महाकुंभ जो साल का पहला स्नान होता है मकर संक्रांति, कई राशियों पर स्नान का बॉर्डर पर जो चौकसी के इंतजाम किए थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लगभग श्रद्धालु का धमनगरी हर बार पहुंचना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बॉर्डर पर पुलिस द्वारा अगर सख्ती बरती जाती तो ये ना होता, और इसके कारण अभी देख सकते हैं आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोरोना वैसी हमारी और भयंकर रूप न ले ले। जी साजिया, अभी अभी फिलहाल क्या स्थिति है घाटों पर हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो नरेश? साजिया देखिए, हर की पौड़ी को पूर्णतः सील कर दिया गया है, वहां पर इस समय एक श्रद्धालु आज हर की पौड़ी पर स्नान नहीं कर पाएगा, लेकिन तमाम ऐसे घाट है जो कुंभ के दौरान बनाए गए थे उन स्थानों पर लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। उचित दूरी की जो बात की जा रही थी वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों ने मास्क यहाँ पर नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, कोविड गाइडलाइन का पालन पुलिस प्रशासन कराने में यहाँ पर नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है और माइक अलाउंस किया जा रहा है कि वो दूरी बनाए रखें, लेकिन आप वहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत हुई होगी आपकी, लोगों में क्या कोविड का भय नहीं है, लोगों का क्या कुछ कहना है, प्रतिक्रिया क्या है लोगों की? देखिए सारे जिस तरह से गंगा में स्नान जो श्रद्धालु कर रहे हैं उनका तो साथ में कुंभ के दौरान भी हमने देखा था कि जब व्यवस्था हमारे महामारी कोरोना बिल्कुल चरम पर थी जब भी लोगों ने इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया था, आशा के आगे जो है लोग जो है वो वैसे महामारी को कुछ नहीं मानते, और आज भी यही स्नान पर देखने को मिल रहा है जिस तरह से श्रद्धालु खुद ही कुछ दूरी का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। उनका साथ में ये कहना है कि जब व्यक्ति खाने के दौरान मास्क को हटाकर खाना खाता है गंगा स्नान में मास्क लगा स्नान नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने मास्क हटाया हुआ है और अब उसी दूरी का पालन भी वो नहीं कर पा रहे हैं। नरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजरें बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मकर संक्रांति का जो है वो आज पर्व है, और लोग जो है प्रशासन ने पहले ही अपील की थी कि कोविड नियमों के चलते स्नान की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। सीट बदलने की चर्चाओं और केदारनाथ विधानसभा सीट से दावेदारी को लेकर शैला रानी रावत ने बड़ा बयान दिया है। केदारनाथ की पूर्व विधायक शैला रानी रावत के बयान पर पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर उन्हें केदारनाथ से टिकट की मांग कर दी तो कोई गुनाह तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, उत्तराखंड के निवासी हैं और उन्हें हक है कि वो किसी भी सीट से अपने दावेदारी को पेश कर सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग उन्हें बाहरी बता रहे हैं उन्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आई जब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपदा में लोगों को बचाया था। मैं कोई पाकिस्तान से तो हूँ नहीं, आप मुझे बता दो कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ, चाइना से आया हूँ, अरे उत्तराखंडी हूँ। आज अगर रुद्रप्रयाग जिला बनाया तब तो मैं भारी नहीं था ना, केदारनाथ की जब आपदा आई तब क्यों नहीं कहा आपने कि भाई इस दुख दर्द में जो उखिमड़ के आपदा आई थी तब क्यों नहीं कहा कि आप बाहर के हो, मंत्री हो बाहर के हो या मदद करो। केदारनाथ में जब इतनी त्रास दी थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ केदारनाथ में जो है ऐसी जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड किया जहाँ कोई रामबाड़ा में जंगल चट्टी में जहाँ कोई कर नहीं सकता था। वहीं इस मसले पर शैला रानी रावत का ये कहना है कि केदारनाथ विधानसभा सीट महिला उम्मीदवारों के लिए सबसे मुफीद सीट है, इसलिए उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान केदारनाथ सीट से महिला को ही प्रत्याशी बनाएगा। शैला रानी रावत ने बीजेपी से टिकट की प्रबल दावेदारी बताई जा रही आशा नौटियाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भारी होने का ये सब दावेदारों का मन है, जिन्होंने उसको पाला पोसा सजाया संवारा है, वहाँ का दुख दर्द 24 घंटे रहते हैं, सबका मन है कि वहीं से होना चाहिए। बाकी भाई पार्टी हाईकमान क्या सोचती है ये पार्टी को देखना है, और हम तो महिलाओं के नाम पे कहते हैं भाई महिलाओं के को जरूर अवसर मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आशा नौटियाल ने अनुशासनहीनता करी है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है, फिर दूसरा भी करेगा।
हरबंस कपूर के निधन के बाद खाली हुई देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर टिकट दावेदारों की फौज उमड़ पड़ी है। कैंट विधानसभा सीट से करीब बीजेपी के 15 से ज्यादा दावेदार टिकट की दावेदारी कर चुके हैं। इन्हीं दावेदारों में एक नाम जोगिंदर पुंडीर का भी शामिल है, जो लगातार कैंट विधानसभा सीट पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वो जरूर पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जहाँ तक कैंट विधानसभा से दावेदारी की बात है तो क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन और संघ संगठन और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में लगभग 34 साल से दिन रात हम सेवा कर रहे हैं, और आम जन का जो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी है उनका भी ये मानना है कि अब की बार कोई स्थानीय ही हमारे ही बीच का व्यक्ति यहाँ पर नेतृत्व करे, बाकी जो संघ संगठन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की पार्टी ने सभी पदों से छुट्टी कर दी है और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि किशोर बीजेपी का दामन जल्द थाम सकते हैं। लेकिन किशोर पर पार्टी की तरफ से लिया गया ये एक्शन यूं ही नहीं, बल्कि किशोर की पार्टी से नाराजगी और बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां हाईकमान को रास नहीं आई, इसलिए किशोर पर एक्शन लेकर पार्टी ने अन्य असंतुष्टों को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के कभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय की पार्टी के सभी पदों से छुट्टी होने के बाद अब चर्चाएं इस बात को लेकर गर्म है कि जल्द किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पार्टी से लंबे वक्त से चल रही नाराजगी और बीजेपी समेत कई दलों से उनकी मुलाकात के बाद पार्टी हाईकमान ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चुनाव के ऐन मौके पर किशोर के बहाने पार्टी के भीतर असंतुष्टों को भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हाईकमान अब ऐसी हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। किशोर उपाध्याय की नाराजगी लंबे वक्त से चली आ रही है। चुनाव में हार के लिए महज उन पर ठीकरा फोड़े जाने की शिकायत किशोर हमेशा से ही करते आए हैं। यही वजह है कि उनके बाद 2017 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए प्रीतम सिंह और फिर 22 जुलाई 2021 को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले गणेश गोदियाल से भी उनका तालमेल नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के साथ उनके लंबे वक्त से मतभेद चलते रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीते दिनों दोनों नेताओं के बीच खूब तकरार भी हुई। इसी महीने किशोर उपाध्याय की बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से हुई मुलाकात को गंभीरता से लिया गया। बताया जा रहा है कि भाजपा से किशोर की बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस हाईकमान को रास नहीं आई। सूत्रों की माने तो बुधवार को भी किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं पार्टी हाईकमान तक पहुंची, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें सभी दायित्वों से मुक्त करने का बड़ा एक्शन लिया। बस देखना है कि बीजेपी में जाने के लिए अब और कितना वक्त किशोर लेते हैं या अपना ही कोई अलग रास्ता इख्तियार करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर किशोर उपाध्याय को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने को लेकर गढ़वाल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बयान दिया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ता आहत तो हैं, क्योंकि किशोर उपाध्याय लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन उनकी कार्यशैली से पार्टी को हो रहे नुकसान और कार्यकर्ताओं के टूटते मनोबल के चलते पार्टी हाईकमान ने यह फैसला लिया है। और अब बात करेंगे 2022 के बिसात की। 2022 के बिसात के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी मुद्दे तैयार कर जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी कर ली है। चुनावी स्लोगन जारी कर बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज देना चाहती है कि अगर कोई राज्य का विकास कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर वार करने का एक भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा चुनावी रणनीति के मुताबिक अब चुनावी मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के काम में जुट गई है। भाजपा के निशाने पर जहां कांग्रेस है, वहीं लोगों की भावनाओं को भी छूने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भाजपा ने चुनावी नारे भी लॉन्च कर दिए हैं। इन नारों को उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के नजदीक रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को भी मुद्दा बनाने का काम बीजेपी कर रही है। इसके जरिए बड़े नेताओं के एक मंच से एकजुटता को दिखाने की भी बीजेपी ने कोशिश की। ये चूंकि लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो गया है और आज हम लोगों ने तय किया, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे पार्टी नेतृत्व ने, इस चुनाव में जाने के लिए से पहले किया है, करती है, सिर्फ करेगी भाजपा, किया है, करती है,
करेगी सिर्फ भाजपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को चूक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक चैनल पर दिखाए गए स्टिंग मामले को लेकर सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि स्टिंग से पंजाब सरकार बेनकाब हुई है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है और हर जनमानस इससे उत्तेजित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है और जिसमें घोर लापरवाही बरती गई है, एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है। चुनावी स्लोगन के लॉन्चिंग के मौके पर बीजेपी ने जहां चुनावी नारों के जरिए बीजेपी के काम जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है, वहीं कांग्रेस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर आड़े हाथ लेकर ये जता दिया कि भाजपा इस मुद्दे को चुनावों में भुनाने के लिए तैयार है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 के बिसात में गंगोत्री के मिथक से सभी वाकिफ हैं कि जिस पार्टी का विधायक इस सीट से जीतता है उसी की सरकार बनती है। लेकिन क्या आप इस मिथक को भी जानते हैं कि बद्रीनाथ सीट पर जिस दल का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचता है सरकार उसकी भी बनती है। बद्रीनाथ सीट के कुछ ऐसे ही सियासी समीकरणों की बात करते हैं जिनको सभी को जानना चाहिए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट राज्य गठन से पहले बद्री केदार नाम से जानी जाती थी। 2002 में दशोली, जोशीमठ और गोपेश्वर नगर क्षेत्र को मिलाकर बनी इस सीट में परिसीमन के बाद 2012 में नंदप्रयाग सीट को पोखरी क्षेत्र में भी जोड़ दिया गया। चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट इसलिए भी खास है क्योंकि जिला मुख्यालय गोपेश्वर के भी शामिल होने से इस जिले की प्रमुख सीट माना जाता है। वहीं बद्रीनाथ नाम होने के कारण स्वाभाविक रूप से इसके वीआईपी होने का भाव भी आ जाता है। गंगोत्री की तरह इस सीट को लेकर भी मिथक है कि यहां से जिस दल का प्रत्याशी विधानसभा पहुंचता है प्रदेश में उसी दल की सरकार बनती है। 2003 और 2012 में कांग्रेस, 2007 और 2017 में बीजेपी का इस सीट पर वर्चस्व रहा। इस सीट पर वोटर्स ने हमेशा राष्ट्रीय दलों पर ही भरोसा किया। यहां 1,02,128 वोटर्स हैं। इनमें 52,626 पुरुष और 49,499 महिला और 3 थर्ड जेंडर शामिल हैं। बद्रीनाथ सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों का दबदबा रहा। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने बीजेपी प्रत्याशी तत्कालीन काबीना मंत्री केदार सिंह फोनिया को हराया था। वहीं 2007 में बीजेपी प्रत्याशी फोनिया ने कांग्रेस प्रत्याशी मैखुरी को हराकर सीट पर कब्जा किया। 2012 में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी और 2017 में भाजपा के महेंद्र भट्ट यहां से चुनाव जीते। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में भोटिया जनजाति के वोटर्स बड़ी संख्या में रहते हैं। साल 2016 में जोशीमठ ब्लॉक को ओबीसी घोषित किए जाने के बाद इस सीट पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। इस सीट में नगर क्षेत्र जोशीमठ, चमोली, गोपेश्वर और पोखरी के साथ पोखरी, दशोली और जोशीमठ ब्लॉक भी शामिल है। शहरी क्षेत्र में भी शामिल होने के कारण इस सीट पर अल्पसंख्यक मतदाता भी हैं। राज्य के कुछ खास विधानसभा सीटों से जुड़े मिथक में बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी शामिल है। तो 2022 के बिसात में इस सीट पर चुनावी मुकाबला भी जाहिर है रोमांचक रहने वाला है। देखना होगा कि इस बार इस जीत पर कौन सी सियासी पार्टी अपना कब्जा जमाती है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। कुमाऊं में जाने के लिए प्रवेश द्वार हल्द्वानी विधानसभा सीट है, जो कुमाऊं को पहाड़ों से मैदान तक जोड़ती है। तो सत्ता के लिए ये सीट कैसे पीछे रह सकती है? कुमाऊं मंडल के अंतिम छोर तक रास्ता बनाने वाली हल्द्वानी विधानसभा सीट में प्रदेश का अंतिम रेलवे स्टेशन भी है। तो व्यापार के साथ हल्डिहास से ये सीट अपने आप में खास है। पहाड़ को मैदान से जोड़ने के साथ कुमाऊं के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने वाली हल्द्वानी विधानसभा सीट, इस लिहाज से व्यापार के साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी हल्द्वानी विधानसभा सीट केंद्र रही है। इस विधानसभा सीट में हर वर्ग विराजमान है, लेकिन 40% मुस्लिम वोट अब तक के 4 विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट पर अहम फैक्टर रहा है।
मिश्रित आबादी वाले इस शहर में खाद्यान्न मंडी कारोबार की नज़र से कुमाऊं मंडल के लिए काफी बड़ी मानी जाती है। राजनीतिक इतिहास में इस सीट पर 2002, 2012 और 2017 में जनता ने कांग्रेस को चुना, तो एक बार 2007 में भाजपा से बंसीधर भगत ने स्वर्गीय इंद्र हृदेश को पराजित भी किया। अब बारी 2022 की बिसात की है, जिसमें वक्त कम है और पार्टियों के पास उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है। कांग्रेस से इस सीट पर तीन बार विधायक रही स्वर्गीय इंद्र हृदेश के बेटे सुमित हृदेश ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो वहीं सुमित हृदेश के आगे कांग्रेस नेता दीपक बलूतिया भी हल्द्वानी विधानसभा सीट से खुद को मजबूत बता रहे हैं। दूसरी ओर तीन बार हार का स्वाद चखने वाली भाजपा भी इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। 16 दावेदार ने भाजपा से हल्द्वानी सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला, दर्जा राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब के साथ ही पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी का नाम उभर कर सामने आ रहा है, तो सपा से शोएब अहमद विरोधियों को परास्त करने की कुव्वत के लिए तैयार है। लेकिन विकास का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवार इस बात से भी वाकिफ हैं कि महिला वोट का फैक्टर भी इस सीट को प्रभावित करता है। कुल मतदाता यहां 150,634 हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 71,992 है, तो देखना ये होगा कि इस बार महिला किस दल के उम्मीदवार को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल हाई कोर्ट में गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को स्थगित करने या आगे बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि 15 जनवरी 2022 तक उत्तराखंड राज्य में सभी राजनीतिक रैली और जनसभाओं पर रोक लगी है, लेकिन वर्चुअल मोड पर प्रचार प्रसार करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड नियमों के तहत चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बताया कि जो पब्लिक रैलीज है वो 15 जनवरी तक बैंड है, और इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ने इशू कर रखे हैं, जो कि काफी है कोविड मामले को टैकल करने के लिए। देहरादून में डीजीपी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जनपद के प्रभारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक की गई। बैठक में चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से मिले दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए भी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये प्रिवेंटिव एक्शन, जैसा आपने बताया था कि गैंगस्टर है, गुंडा एक्ट है और हमारा प्रिवेंटिव ट्रेडिशन, इसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। इसको लेकर सभी जनपदों को जो है हमारा डीजीपी महोदय द्वारा जो है सख्त दिशा निर्देश भी दिया है कि इसमें कभी कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, और कल VC के माध्यम से भी सभी जनपदों के SP SSP और रेंज का जो DAG से उनसे संवाद करते हुए मेरे DGP सर ने जो है ये जो प्रिवेंटिव एक्शन को प्रायोरिटी देते हुए उचित कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिया है। देहरादून में परिवहन विभाग ने टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। RTO कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने में 2,100 लोगों की सूची चस्पा की गई, जिसमें से 200 बड़े बकायेदार हैं। अब विभाग ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे द्वारा नवंबर में पूरी लिस्ट निकाली गई थी, तो नवंबर तक कुल 20,484 बकायेदार थे, और उसमें से सिर्फ 2010 तक के जो बकायेदार थे वो 12,000 थे, और उन पर 52 करोड़ रुपए बकाया था। पिछले नवंबर ही नवंबर में हमारे द्वारा 75 लाख रुपए वसूला गया है। दिसंबर के अंदर हमारे 1.5 करोड़ के आसपास हमने वसूला है, और जनवरी में हमारी आशा है कि हम ये 2.25 करोड़ के आसपास वसूल कर लेंगे बकाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कांग्रेस आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। करीब 30 से 35 उम्मीदवारों के नाम तय। भाजपा में भी टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी। टिकटों की दावेदारी को लेकर भाजपा में जबरदस्त माथापच्ची। अकेले कैंट विधानसभा सीट से 15 दावेदार। केदारनाथ सीट को लेकर भी मचा घमासान। कोविड के चलते हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर प्रशासन के दावों की खुली पोल। पुख्ता बंदोबस्त होने के बावजूद स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु कोविड नियमों की अनदेखी।
और कांग्रेस में जाने की अटकलों पर दिलीप रावत ने लगाया विराम, खुद को बताया हिंदूवादी नेता, कहा कभी नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का दामन।